इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। जनता सेना ने की पालिका चुनाव की तैयारी, तीनों जगहों पर उतारेगी उम्मीदवार। भिंडर सलुम्बर में मेयर बनाने का दावा, फतेहनगर में देगी कांटे की टक्कर। 4 सालों में निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दूंगा, जोशी ने कहा। गुलाबचंद को मुंह दिखाना पड़ जाएगा भारी। हमेशा खुला रहने वाला धन्ना सेठ के द्वार पर लगा ताला, लूट के बाद बेटे साथ उदयपुर पहुंचे बुजुर्ग, पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सुराग, जल्द खुलासा करने का दावा। और निगम के अजीब जवाब पर उदयपुर बार एसोसिएशन ने दिया एडीएम सिटी को ज्ञापन, एडवोकेट की संस्था को नहीं माना था भारतीय नागरिक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जनता सेना सुप्रीमो के शायराना अंदाज की। उदयपुर जिले की 3 पालिकाओं में आगामी चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले के साथ दिलचस्प होने वाले हैं। आपको बता दें कि फतेहनगर, सलुम्बर और भिंडर में इस बार भाजपा, कांग्रेस के अलावा जनता सेना भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। गत चुनावों में तो भिंडर में जनता सेना का बोर्ड भी बना था, लेकिन मध्यांतर में ही आपसी मनमुटाव के चलते भाजपा फिर काबिज हो गई थी। वहीं कोरोना काल में होने जा रहे पालिका चुनावों में भले ही सभाएं, रैलियां, भाषणों की गूंज सुनाई नहीं देंगी, फिर भी चुनाव काफी मजेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि भिंडर और सलुम्बर में अपना मेयर बनाने का दावा जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने किया है। साथ ही फतेहनगर में भी संभावनाएं तलाशने की बात पर जोर दिया है। दरअसल बुधवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाराज ने ये बात कही। वहीं विधानसभा चुनावों में पूरे मेवाड़ में प्रतिनिधि उतारने का दावा करते हुए भिंडर ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा कि प्यार का पहला खत लिखा, परिंदों को उड़ने में समय तो लगेगा ही। हमारे यहाँ पर मेरे पिछले कार्यकाल में हमने 104 रोडें स्वीकृत करवाई थी, जिनका स्वीकृति भी हो गई थी, टेंडर भी हो गया था, कार्यादेश भी जारी हो चुके थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उन सब कामों को रोक दिया गया। हमने बहुत कोशिश की कि वो काम वापस चालू हो, लेकिन इसके बावजूद उन कामों को सरकार ने चालू नहीं किया। तब मजबूरन हम जोधपुर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से जब विभाग को और मंत्रालय को नोटिस जारी हुए, उसके बाद इन्होंने ये काम चालू किया और अब काम करीब करीब सभी समाप्ति की ओर है, लेकिन कुछ काम अभी होने बाकी है। और कांग्रेस के विधायक, उनको ये लग रहा है कि इस पूरे का श्रेय जो है जनता सेना को मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने क्षेत्र में झूठी घोषणाएं चालू कर दी और जो हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं उनको झूठे पत्र पकड़ा करके और ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्वीकृतियां जो है उनके कार्यकाल में उन्होंने स्वीकृतियाँ करवाई है, जबकि ये वही स्वीकृतियाँ हैं जो हमने 18-19 में करवाई थी। इसलिए इस तरह का भ्रम नहीं रहे लोगों के बीच में और पत्रकारों के बीच में भी ये एक भ्रम नहीं रहे कि ये भाई ये स्वीकृत करा रहे, क्योंकि उसके लिए ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है कि कब स्वीकृत हुआ, कैसे हुआ, किसको टेंडर हुआ, कब चालू हुआ और कब काम को ख़त्म करना, ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। तो मेन मुद्दा तो हमारा यही है। दूसरा जो है, भिंडर में हमारे एकमात्र बालिका विद्यालय था जिसको कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के बहाने बंद कर दिया गया, उसी में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि कोई नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते और उसमें ये स्कूल चालू कराते, या फिर कोई पुराना स्कूल ऐसा जिसको ये चालू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बालिका स्कूल को बंद कर दिया। आप जानते हो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग चाहते हैं कि बच्चियों को हम बच्चों से अलग पढ़ाएं, क्योंकि अभी वो माहौल बना नहीं है। तो अब मजबूरन उन बच्चियों को को एजुकेशन स्कूल में भेजा जा रहा है और अभिभावक चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले। बहुत से लोग तो उदयपुर शिफ्ट हो गए कि हम किसी गर्ल्स स्कूल में इनको दाखिला दिलाएंगे। तो ये मैं इनको लेकर के मैं अभी जो शिक्षा मंत्री डोटासरा जी से मिला था, उन्होंने भी इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि भिंडर में और कोई बालिका स्कूल है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं कोई ना कोई एक बालिका स्कूल चालू कराने का प्रयास करता हूँ। भिंडर और कानोट तहसील खुलवाई थी हमारे कार्यकाल में और भिंडर तहसील का शिलान्यास भी उस समय जब मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे जी, उनसे करवाया था। अभी कार्यकाल जो हमारा ख़त्म हो रहा था उसी समय तक काम पूरा हो चुका था, लेकिन चुनाव आने के कारण उसका लोकार्पण नहीं हो पाया था। लोकार्पण चलो इन्होंने करवाया, कोई बात नहीं हमको, लेकिन उस पर शिलान्यास करता के
शिलापट को भी लगाना चाहिए था जो उन्होंने जानबूझकर लगने दी दिया। इसी तरह से कानोट तहसील के भवन के लिए अभी तक इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। हम जिलाधीश से भी मिले हैं, एसडीओ से भी मिले हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कानोट का भी भवन तैयार हो जाए। एक हमारी बटेवर से बांसी जो रोड है उसके बारे में भी कम से कम 100 गाँव उससे जुड़े हुए हैं, 2 नगरपालिकाएं जुड़ी हुई है, उसके लिए हमने 14 करोड़ रुपए सैंक्शन करा रखे हैं रिकार्पेटिंग के लिए। उस काम को भी इन्होंने अब तक चालू नहीं किया और उस रोड की बहुत दुर्दशा है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। वल्लभ नगर में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, उसके लिए हमने हमारे कार्यकाल में कसौटिया बांध की एक योजना बनाई थी जिसके योजना बनाने के लिए करीब काफ़ी पैसा हमने सैंक्शन करवाया था ताकि वो उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सके। DPR के लिए सरकार ने पैसे जारी किए थे लेकिन ना तो DPR की रिपोर्ट अब तक आई है ना उसमें आगे क्या हो रहा है ये कोई बताया नहीं गया, बल्कि आज की तारीख में PhD विभाग में ना तो हमारे AEN है ना JEN है बल्कि बाबुओं के भरोसे काम चलाया जा रहा है। बिजली का जो है बिल, उससे ग्रामीणों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं उन बिलों से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि VCR से पकड़ धकड़ चालू करके इतने बड़े बिल पकड़ाए जा रहे हैं कि लोगों को अपने खेत भी बेचने पड़ रहे हैं। प्यार का पहला खत है, अभी तो नए परिंदों को उड़ने में समय लगेगा, अभी तो प्यार का पहला खत है, अभी तो नए परिंदों को उड़ने में समय लगेगा अभी तो। उदयपुर जिले में कानोड़ कस्बे में जिस धन्ना सेठ के मकान पर कभी ताला नहीं लगा और लगा तो वह भी 20 रुपए वाला, उस मकान पर बुधवार को एक बड़ा ताला लगना चर्चा का विषय रहा। करीब 1.25 करोड़ की लूट की वारदात के बाद बुजुर्ग धन्ना सेठ मकान पर ताला लगाकर अपने पुत्र के साथ उदयपुर जा चुके हैं। खर्च बचाने के चक्कर में धन्ना सेठ ने करोड़ों की सुरक्षा पर कभी कभार छोटा सा ताला लगा दिया करते थे। बैंक में लॉकर का किराया बचाने के लिए संपत्ति को घर में रखकर रात भर उसकी रखवाली के लिए जागते, वारदात की आधी रात बाद भी बुजुर्ग टीवी पर नजरें गड़ाए थे और पीछे से लुटेरों ने घर में प्रवेश कर लिया। वहीं अब पुलिस इस वारदात को अपनी नाक का सवाल मान बैठी है। डिप्टी सहित 4 थानों का जाब्ता रात के अंधेरे में हुई इतनी बड़ी लूट की तह तक पहुंचने में लगा हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। शंका के आधार पर करीब 30 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को CCTV के साथ ही घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क के पास ढाबों से कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। ऐसे में लूट की वारदात का जल्द खुलासा होने की संभावनाएं बनी है। वारदात के बाद शहर में दहशत का माहौल है। लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन है वो लुटेरे, क्या कस्बे के ही है या कहीं बाहर के किसी परिचित का हाथ है या कोई अनजान है। वही वारदात के खुलासे को लेकर एडिशनल SP ग्रामीण मुकेश सांखला, डिप्टी हितेश मेहता, कानोड़ पुलिस निरीक्षक तेज सिंह सांधु, बिंडर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल, खेरोदा थानाधिकारी रंजीत सिंह चौहान, वल्लभनगर थानाधिकारी भरत योगी सहित जाप्ता कैंप लगाकर अनुसंधान में जुट गया है। वारदात के दिन पीड़ित के घर के बाहर सुबह 6 बजे के आसपास एक कार आने के साथ ही रेलवे स्टेशन के पास ढाबे पर मिली लुटेरों की आहट की सूचना ने पुलिस का जोश बढ़ा दिया है। बुधवार को दिन में पुलिस ने नगर के CCTV को खंगालते हुए जो कार पीड़ित के घर के बाहर दिखी उसकी जांच में जुटी है। पाली जिले के तखतगढ़ मार्ग पर बने एक हॉस्पिटल में कुछ बदमाशों ने घुसकर डॉक्टर से मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। बुधवार को दिन दहाड़े 3 से 4 बदमाश सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ रोड स्थित महादेव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में घुसे और हॉस्पिटल में बने मेडिकल स्टोर पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर से मारपीट कर डाली। मारपीट और तोड़फोड़ का सारा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हो गया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल डॉक्टर रमेश पटेल को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर रमेश पटेल ने बताया कि बुधवार को कुछ बदमाश हाथ में लोहे के सरिये लेकर हॉस्पिटल में घुसे और मेडिकल स्टोर पर तोड़फोड़ करने के साथ ही पटेल के चैम्बर में भी घुसकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर पटेल ने जब विरोध किया तो उन पर भी लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया। विनोद पटेल नाम के बंदे से थोड़े दिन बहस हुआ था, उसको कुछ उसके साथ मारपीट हुई थी ऐसे मुझे मैसेज मिले थे, तो उसके गांव वाले ने किसी ने फोन किया था तो मैंने उसको मतलब बोल पड़ में बोल दिया कि हाँ वे विनोद को मारा है, तो उसके लिए उसने कल मेरे को फ़ोन किया था कि क्यों बोलता है कि मेरे को मारा है। मैंने बोला कि भाई तू दादागिरी मत कर, बाकी तू फोड़ दे।
तो उसने कल ही मेरे को बोला था कि मैं कल सुबह तेरे को तोड़ दूंगा चालू हॉस्पिटल। कितने जने थे ये? वो खुद नहीं आया था और चार लोग थे। ये विनोद प्लॉट कहाँ का है? विनोद पटेल ये दियोदर तालुके तहसील का है और यहाँ पे सट्टे का धंधा करता है। ये किससे वार किससे किया क्या क्या था उनके पास में हथियार वगैरह क्या था? उनके पास पाइपें थी लोहे की लेकिन वो सीधा मेरे सिर पे मार रहे थे। ये हाथ मैंने सिर पे रख लिया वरना वो मेरे को जान से मार देते थे। और हाथ टूटने से पहले ये धीरेंद्र सिंह करके मेरे पार्टनर हैं हॉस्पिटल में, वो उन्होंने आके हाथ पकड़ दिए वरना वो लोग मुझे मार ही देते थे। मारने के बहाने से ही आए थे, जान से मारने के तरीके से ही आए थे। वो सीधा पाइप मेरे मुंह सिर पे ही मार रहे थे, सिर पे थोड़ी सी खरोच लग गई। वही ये हाथ मैंने अगर उल्टा नहीं रखा होता तो वो लोग मुझे जान से मार देते थे। भारतीय जनता पार्टी में कभी कद्दावर नेता रहे मांगीलाल जोशी, जो पिछले दो सालों में जनता सेना के प्रदेश समन्वयक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कटाक्ष किए। भारतीय जनता पार्टी बिजली पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर विधानसभा में चुप्पी साधे रखी। उदयपुर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने का क्या मतलब? उदयपुर में भी ईमानदारी के बात करने वाले कटारिया जी के सामने जल्द ही भ्रष्टाचार की पर्दे खोल कर रख देंगे, उसके बाद गुलाब चंद जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जनता सेना कटारिया कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है, वरना उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं है। इस बार दावे के साथ कह रहे हैं भले ही निगम में काले चोर का बोर्ड बन जाए पर भाजपा का नहीं बनने देंगे। आगामी चार सालों में जनता सेना इनकी पोल खोल कर रख देगी। कटारिया समझते हैं कि पार्टी उनकी जेब में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो ईमानदारी की बात करता है, गुलाब जी जैसे एक बेईमान व्यक्ति को पनपा रखा है, उसी ने पार्टी को डुबा रखा है। असली भाजपा तो जनता सेना में ही निहित है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी नाम की चीज नहीं है। मैंने पहले खुलकर नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी बिजली के मुद्दे पर विधानसभा में नहीं बोली, पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर वहां कुछ नहीं बोले और यहाँ पर सड़कों पर चिल्ला रहे खाली जनता के सहानुभूति के लिए। विकास के नाम की बात करते अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2 करोड़ का अटल पार्क का टेंडर पास किया और इस बोर्ड ने आते ही चुनाव निकला, बोर्ड ने आते उसको खत्म कर दिया। मैंने स्पष्ट नहीं कहा पर मैं आपको कह देता हूँ, कमल तलाई गुलाबबाग नगर निगम के अंडर जो ग्राउंड पार्किंग है वो सुखाड़िया रंगमंच ऐसे कुछ मुद्दे हम इकट्ठे कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार विभाग को हम ज्ञापन देने वाले हैं। ये गुलाब चंद जी तो जांच करवाएंगे नहीं, मैंने चैलेंज किया, पर वास्तव में ज्ञापन देने वाले हैं। उस समय जब बीजेपी की सरकार थी इस मुद्दे को हमने जयपुर तक उठाया, प्रयास किया कि एंटी करप्शन का केस दर्ज हो, पर चूंकि अधिकारियों के ऊपर दबाव था नहीं हो पाया। पर अब प्रयास रहेगा कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसमें ईमानदारी की बात करते कटारिया जी भ्रष्टाचार खुल करके हम प्रमाण से दे रहे हैं, उसकी जांच हो गई तो गुलाब चंद जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। पर अभी क्यों? इसलिए कि कांग्रेस में भी अशोक गहलोत और गुलाब जी की पड़ती है, सीपी जोशी और गुलाब जी की पड़ती है। चला जहाँ कहीं मामला आता है तो कटारिया जी का नाम सुनते ही वो लोग भिड़क जाते हैं। तब मैंने कहा पहली बार खुल के कटारिया कांग्रेस है, यानी कांग्रेस के लोग गुलाब जी को मदद करते हैं, गुलाब जी डायरेक्ट कांग्रेस को मदद करते हैं। इस कटारिया कांग्रेस को खत्म करने के लगे हुए बाकी कहा पार्टी कांग्रेस से खत्म हो गई है, चुनाव वास्तव कांग्रेस से लड़ते हैं, कटारिया कांग्रेस लड़ती है, आपस में फ्रेंडली मैच है ये। इसलिए क्या कि विकास उदयपुर का तभी होगा। अब आप देखें स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई पारदर्शिता नहीं है, कितना पैसा आया, कितना किस काम पर खर्च हो रहा, क्या काम चल रहा, कब तक पूरा होगा, कौन एजेंसी है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पूरा शहर मिट्टी से अटा पड़ा है, लोग निकल नहीं सकते, रास्ते बंद हैं। तो कुल मिला करके जनता सेना इनको आराम से 4 साल बैठने देगी। हमारा प्रयास रहेगा कि अगला वोट बीजेपी का नहीं बने, चाहे किसी काले चोर का बन जाए, उसके बाप है। तो इसलिए हम इनको बेनकाब करना चाहते हैं। जनता सेना खड़ी होगी पर ये मैं आप कह रहा हूं अगला बोर्ड बीजेपी का हम बनने देंगे और विधानसभा का चुनाव इस बार तो गुलाब जी ने हमने ऐसे ऊ में 50-60 लोगों ने चुनाव लड़ लिया पर गुलाब जी को ना नहीं याद आ गई। जो समाज की बैठ गए कि जो कार्यक्रम के जितना खर्चा किया, एक एक को पंपोड़ने को मजबूर हो गए,
पर हैकड़ी गई नहीं है। आज भी हम मानते हैं कि पार्टी में जेल में है खेल। दुर्भाग्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बात ईमानदारी की करता है ऐसे बेईमान व्यक्ति को पनपा रहा है, इसका दुर्भाग्य यह है संघ इसके कारण से घाटे में जा रहा है, बीजेपी डूब रही है। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, अगर मान लो संघ और बीजेपी ठीक नहीं होगी तो इसलिए हम जनता सेना में आए। जनता सेना वास्तव में एक तरह से प्योर बीजेपी है, ये ऐसे बेईमानों को ठीक करने के लिए हम लगे हुए हैं और पार्टी में वास्तव में शुद्धिकरण हो ये हमारा प्रयास रहेगा। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में विधायक रमीला खड़िया की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा से विधायक रमीला खड़िया की गाड़ी पर देर रात एक पत्थर आकर टकराया जिसमें विधायक बच गए। इस मामले की जानकारी सुखेर थाना पुलिस को हुई तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने विधायक पर हमले की कोई मंशा नहीं बताई और कुत्ते पर पत्थर फेंकने के दौरान विधायक की गाड़ी पर पत्थर लगने की बात बताई। पुलिस इस मामले की गिरफ्तार युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम से मांगी गई एक सूचना का नगर निगम द्वारा ऐसा जवाब दिया गया जिससे निगम के जिम्मेदारों की खूब किरकिरी हो रही है। बोहरा गणेश जी रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी निवासी अधिवक्ता युगल किशोर दशोरा ने सूचना के अधिकार के तहत हिरण मगरी सेक्टर 4 स्थित दो भूखंडों के बारे में नगर निगम से सूचना मांगी। दशोरा ने उमेश शर्मा के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। जवाब में नगर निगम ने लिखा कि सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम से मांगी गई एक सूचना का नगर निगम द्वारा ऐसा जवाब दिया गया जिससे निगम के जिम्मेदारों की खूब किरकिरी हो रही है। बोहरा गणेश जी रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी निवासी अधिवक्ता युगल किशोर दशोरा ने सूचना के अधिकार के तहत हिरण मगरी सेक्टर 4 स्थित दो भूखंडों के बारे में नगर निगम से सूचना मांगी। दशोरा ने उमेश शर्मा के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। जवाब में नगर निगम ने लिखा कि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही है। निगम के सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आगे लिखा कि आवेदक स्वयं एडवोकेट है तथा एडवोकेट की संस्था नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आती है, ऐसे में सूचना अदेय है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना पर निगम द्वारा वकील को भारतीय नागरिक नहीं मानने पर निगम की कार्यशैली पर खूब सवाल उठाए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हुआ जिसमें निगम द्वारा दिए गए जवाब के नीचे बोहरा गणेश जी निवासी अधिवक्ता युगल किशोर दशोरा ने लिखा कि क्या मैं भारतीय नागरिक में ही हूँ, ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने की मंशा रखते हुए निगम ने अधिवक्ता को ही भारतीय नागरिक नहीं होना बताया है। नगर निगम की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के खिलाफ उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रशासनिक राजस्थान सरकार सचिवालय के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और कार्मिक विभाग के शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिन के भीतर कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की मांग की है। साथ ही अधिवक्ताओं ने 7 दिन में निर्णय नहीं लिए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त कंवर चौधरी ने स्पष्ट किया कि मांगी हुई सूचना को लेकर जो जवाब दिया गया है इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से नगर निगम के सहायक आयुक्त ने जो सूचना मांगी गई थी आरटी के तहत नहीं दी और जिस तरह से टिप्पणी की कि अधिवक्ता भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है, ये काफ़ी निंदनीय है। इस टिप्पणी से अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष व्याप्त है। आज हम सभी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं जिसमें हमने मुख्य सचिव और स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक से मांग की है कि जो ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाए। अगर 7 दिवस में कर्मचारी को बस बर्खास्त नहीं किया गया तो हम निश्चित रूप से आंदोलन किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। माली समाज के सावित्री बाई फूले मातृशक्ति संगठन की ओर से बुधवार को संगठन के ब्रोशर का जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से विमोचन करवाया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति संगठन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष हेमंत रतलिया ने बताया कि इस संगठन में जो सदस्य हैं वह समाज की मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। माली समाज की असंगठित महिलाओं को संगठित करने का सबसे बड़ा काम हाथ में लिया गया ताकि समाज की महिलाओं को शिक्षित करने के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। रतलिया ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, संयुक्त परिवार को बढ़ावा देने, समाज में प्रचलित तीज त्योहार को सामूहिक रूप से करना जैसे कई कामों की रूपरेखा तैयार की गई है।
सावित्री बाई फुले मातृशक्ति संगठन जो है ये हमने 2 वर्ष पूर्व बनाया था। इसमें 13 सदस्य थे उस समय और आज की तारीख में इसमें 172 सदस्य हैं। ये संगठन जो हमने बनाया हमारे माली समाज को लेकर के बनाया कि ये हमारा जो समाज है आज संगठित नहीं है, जो समस्त माली है उनको हम संगठित करना चाहते हैं। इसके लिए आज हमने जो ब्रोशर बनाया है इसका विमोचन कराया, श्रीमान आदरणीय कलेक्टर साहब से हमने विमोचन करवाया है और कलेक्टर साहब ने भी हमसे यही बोला है कि आप जो हमारे समस्त माली हैं उनको आप एकत्रित कीजिए और सब जब है एकत्रित होंगे हम माली तो हम संगठित होने के बाद ही हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस जो संगठन हमने बनाया है इसका मुख्य उद्देश्य एक तो मातृशक्ति जो है हमारी महिलाएँ हैं, माताएँ बहनें हैं, उनको अधिक से अधिक शिक्षित करना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे भेजना और हमारे समाज में, अगर वैसे तो हमारे समाज में कोई कुरीतियाँ है नहीं लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातें जो होती है समाज में उन चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और उनको समाप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन जो है इसका भी हमने पिछले माह ही रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है और ये संगठन जो है उत्तरोत्तर प्रगति पे है और ये जो ब्रोशर है ये हमने अभी। बल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता और मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं। पूर्व कार्यकाल में किए गए सारे ही विकास कार्यों को अपने नाम चढ़वाने का प्रयास कर सभी को गुमराह कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना था जनता सेना सुप्रीम और बल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर का, जिन्होंने लैक्सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। बकौल रणधीर सिंह, मेरे पिछले कार्यकाल में विभिन्न मदों से कुल 104 सड़कें स्वीकृत की गई थी। इनमें से 36 सड़कें ऐसी हैं जो आजादी के बाद पहली बार गांवों को सड़कों से जोड़ेंगी, जिनके कार्यादेश मेरे कार्यकाल में ही स्वीकृत हो गए थे। वहीं दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार काबिज हो गई थी और शक्तावत ने जीतते ही सभी कार्यों पर रोक लगवा दी। सरकार को 2 साल होने आए हैं लेकिन इलाके में न तो विधायक और न ही कांग्रेस सरकार ने कोई नया काम शुरू किया है, बल्कि भिंडर में वर्षों से संचालित एकमात्र बालिका विद्यालय भी बंद करवा दिया। नतीजतन लोगों को शहर आकर बेटियों को पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इनके अलावा भी भिंडर ने कई ऐसे काम गिनवाए जो पास तो उनके कार्यकाल में हुए थे लेकिन श्रेय शक्तावत लेने में लगे हुए हैं। आगामी चुनाव में हम लोग सलूम्बर और भिंडर में नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं और फतेहनगर में भी लड़ेंगे, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सलूम्बर और भिंडर में हम हमारा चेयरमैन बनाएंगे और फतेहनगर में अभी हम संभावनाएं तलाश रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव तो हमारी पार्टी लड़ेगी, पूरे मेवाड़ में लड़ने की सोच रही है, अभी शुरुआत है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है, देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हेलो, आई एम जी एस सिसोदिया। देव एविएशन अकेडमी इज द बेस्ट अकेडमी इन द राजस्थान। वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड एयरपोर्ट विजिट्स फॉर मॉक इंटरव्यूज, बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध।
गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया MA MEd गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242067902942906 एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल। एडमिशन ओपन, फर्स्ट फ्लोर, पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 7023144442, 8107392702, वेबसाइट www.aha-udaipur.com। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। डोमेस्टिक मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए, पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी मेन रोड, उदयपुर।
आपका स्वागत है। उदयपुर संभाग में सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक की पदोन्नति के लिए हुई परीक्षा के परिणाम बुधवार को घोषित हुए। तीसवीं क्षेत्र के लिए हुई इस परीक्षा में 19 लोगों को पदोन्नति मिली। तीसवीं क्षेत्र में सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक के लिए पदोन्नत हुए 19 पदों में 12 पद सामान्य वर्ग और 7 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थे। परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद आउटडोर एग्जाम और इंटरव्यू भी हुआ। उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर ने महानिरीक्षक कार्यालय के बाहर इंटरव्यू और आउटडोर एग्जाम में पास होने वाले लोगों को परिणाम सुनाते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई और अन्य पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। आज वर्ष 19-20 के टीएसपी क्षेत्र की सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 12 पद थे और एसटी वर्ग के लिए 7 पद थे, जिनमें सफल जो अभ्यर्थी थे उनको लिया गया और आज आउटडोर एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों लेकर के आज 19 व्यक्तियों को उपनिरीक्षक के पदोन्नति में उत्तीर्ण घोषित किया गया। नगर निगम की ओर से बुधवार को मास्क वितरण का कार्य शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन प्रथम चरण में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 8 स्थित कच्ची बस्तियों में उपमहापौर पारस सिंघवी द्वारा मास्क वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड पार्षद मुकेश गमेती, धीरज ओड़, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक सुभाष शर्मा एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपमहापौर पारस सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में जिस तरह से मुख्य सेवक अशोक गहलोत, पूर्व मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व गृह सेवक के आह्वान पर मास्क वितरण के काम का आगाज किया है, पहले दिन उदयपुर के वार्ड 1 में कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने की अपील की जा रही है और क्षेत्र में मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरह अब नियमित रूप से शहर के सभी वार्डों में मास्क वितरित किए जाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और इस महामारी से बचाव किया जा सके। राज्य सरकार ने जन आंदोलन के रूप में एक अभियान चलाया है और वाकई में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी साहब कटारिया, उन्होंने ये आह्वान किया है कि उदयपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति बिगैर मास्क के नहीं रहे। इस निमित्त आज सरकार प्लस नगर निगम के द्वारा कुछ एनजीओ के साथ में रहकर हम वार्ड नंबर 1 में हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है मुकेश जी और सत्यनारायण जी, हमारे जो एचओ है सुभाष जी है और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ में हम यहाँ पर मास्क का वितरण करने के लिए आए हैं। मेरा उदयपुर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बीमारी का कोई भी अभी तक जब तक वैक्सीन नहीं आ रहे तब तक हाथ धोना है और मास्क लगाना है। नो मास्क नो एंट्री, इसकी अक्सर से पालना करनी है। अगर हम जीवित रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, हम नहीं बचेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं सभी बंधु बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। महापौर जी टाक साहब ने निर्देश किया है समस्त वार्डों के अंदर समस्त पार्षदों के साथ में हम एक मास्क का वितरण करेंगे। नगर निगम 1 लाख, हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने भी कहा कि किसी भी कीमत में कोई भी मास्क की कमी नहीं रहे, उसके लिए 1 लाख का निर्देश था, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, 2 लाख 3 लाख जो भी लगे पैसे लगे, संस्थाएं पैसा देने के लिए तैयार है। और हम आज यहाँ पर वार्ड नंबर 1 उस कच्ची बस्ती के अंदर यहाँ पर कठपुतली चौक में और उसके पास में मास्क वितरण का काम कर रहे हैं। आज दूसरे क्षेत्र में धीरज जी ओड के क्षेत्र में भी आज वहाँ पर मास्क वितरण का काम किया जा रहा है, इसकी शुभारम्भ कर रहे हैं और नियमित रूप से हम समस्त वार्डों के अंदर मास्क वितरण करने का काम करें। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाणिज्य महाविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में NSUI की ओर से देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि देश में लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब घर से बाहर निकलने में महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं उनके अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम NSUI के कार्यकर्ताओं ने और मेरे युवा साथियों ने आज हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने की सोची है हमारे माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से। अभी हमारे देश की स्थिति बहुत तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, इसके बीच महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना दुष्कर्म हो रहा है, उस पर हमारी केंद्र सरकार आज चुप्पी मौन में बैठी है। हमारे मोदी जी जो कि आज उन्होंने एक भी अपना ट्वीट नहीं करा इस पर, क्या वो चुप क्यों है, क्यों है चुप, वो क्यों चुप है। तो आज हमारी हम सब आज युवा एक साथ हुए, आज औरत रात को क्या छोड़ो सुबह भी घर से बाहर निकलने डरती है, उसको घर में सुरक्षित फील नहीं होता है। तो आज
क्या सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या उन्होंने कदम उठाया सरकार पे? तो आज हम सब युवा भाई मेरे हम सब आज एकत्रित हुए हैं और आगे अगर इस पर कुछ फैसला नहीं आता है तो आज हम रोडों पे उतरेंगे और हम अनशन पे बैठेंगे, उसके बाद जो होगा वो होगा। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट से कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लड़कियां क्या चैन से नहीं सो सकती, क्या चैन से नहीं रह सकती? हमें इस बात से प्राउड फील होता है कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है, लेकिन पता है किस चीज़ में? मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन। इतने क्राइम्स होते हैं, अगर आप क्राइम्स की बात करो, एक घंटे में 39 रेप्स होते हैं। आप सिर्फ मनीषा प्रियंका और ये निर्भया ही हाईलाइट हुए, दिन में 100 मनीषा, 100 प्रियंका, 100 निर्भया निकलती है। क्यों वो नजर नहीं आती गवर्नमेंट को? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबको चेंज करो, सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप पूरे देश को चेंज करने जा रहे हो, पहले आप अपने आप को चेंज करो। फर्स्ट आपको खुद को चेंज करना है, फिर आप देश को चेंज करोगे। मतलब आप ये कहते हो कि लड़कियां क्या कपड़े पहन के बाहर निकलती है इसलिए उनका रेप होता है, ये सोच गलत है। आप अपनी सोच चेंज करो। आपको अगर ये प्रूफ चाहिए कि लड़कियां क्या कपड़े पहन के निकलती है बाहर, तो अपना एक प्रोजेक्ट हुआ था जैन ब्रॉकमैन का नाम पे, जिसने 18 वुमेन्स के विक्टिम्स की ड्रेसेस का एग्जीबिशन किया है। वहाँ जाके चेक कर सकते हो वुमेन्स आर्ट पे कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या ड्रेसेस पहने। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि लड़कियाँ क्या ड्रेस पहन के निकलती है, और वो किससे पूछेगी? आप होते कौन पूछने वाले? हर चीज़ पे लड़कियाँ मतलब क्लेम ही करती है। पॉलिटिक्स, रिलीजियन, मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम इतना वीक चल रहा है, हर चीज़ में आप लड़कियों को पुश करते हो। क्यों पुश करते हो? मेरा मानना है कि आपका एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग रखो थोड़ा। अगर ऐसे राइट्स हैं जो लड़कियों को पता भी नहीं है कि उनके बारे में, कि उनको मतलब वो FIR भी लिखवा सकती है वाया पोस्ट, वाया ईमेल, सब कुछ, पर उनको ऐसे कुछ राइट्स से जो नहीं बता रखे, नहीं लीगली बता रखे हैं, नहीं मेंटालिटी उनको प्रिपेयर कर रखा है। मतलब आप हमेशा एस बार आप जब तक बात करते हो, आप हमेशा लड़कों को आगे रखते हो। आप लोगों ने आपकी मेंटालिटी बना दी है कि हमारी घर की फैमिली का हेड लड़का ही बनता है। नहीं बन सकता लड़का, लड़कियों की भी थिंकिंग पावर होती है, लड़कियों का भी डिसीजन मेकिंग होता है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर उपखंड के भटेवर इलाके के आमलेश्वर महादेव मंदिर में युवा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खेल सेवक अशोक चांदना का जन्मदिन वृक्षारोपण के साथ मनाया गया। साथ ही युवा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा ने भगवान महादेव से अशोक चांदना की अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना के बाद केक काटकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। इस अवसर पर विष्णु लोहार और जुनेद खान ने अशोक चांदना की तस्वीर भेजकर जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में युवा नेता मुकेश मेनारिया, वल्लभ नगर युद्ध कांग्रेस उपाध्यक्ष दिलशान शर्मा, अकबर खान, भीम सिंह, घनश्याम मेनारिया, जाट युवा महासभा तहसील अध्यक्ष किशन जाट, रतन कीर, गगन आमेटा, गुड्डू आमेटा, प्रकाश सोनी, भगवती लाल सुथार, रोशन नागदा, चंदू लोहार, हुकुम मेनारिया, विष्णु गडोलिया, जुनेद खान आदि युवा साथी उपस्थित रहे। आज राजस्थान के काबीना मंत्री और युवाओं के दिल की धड़कन श्रीमान अशोक जी चांदना का जन्मदिन है। आज हमें वल्लभ नगर विधानसभा के युवाओं ने मिलकर के उनके दीर्घायु होने की कामना की। उनके दीर्घायु होने के लिए हमने आज एक बिली पत्र का पेड़ आज भटेवर के महादेव जी के मंदिर में हमने लगाए हैं। हम अशोक चांदना जी के लिए ये कहना चाहते हैं, उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए आज तक जो संघर्ष किया है वो संघर्ष जीवन में हमेशा करते रहे हैं। और हम वल्लभ नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जीवन में और उन्नति करें, आगे बढ़ें, ऐसी कामना करते हैं। और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। संभाग के डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया बटिकड़ा मार्ग पर व्यापारी की हत्या के मामले का पुलिस 12वें दिन भी खुलासा नहीं कर पाई। आक्रोशित ग्रामीण और परिजन बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचे और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करने के दौरान भी परिजनों को 5 से 6 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते 2 दिन पूर्व भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अपराधियों को पकड़ने में किसी भी प्रकार की तेजी नहीं आई। ऐसे में बुधवार को फिर ग्रामीण और परिजन SP कार्यालय पहुंचे और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। गौरतलब है कि दोवड़ा थाने के मार्ग हड़मतिया बटिकड़ा पर 4 अक्टूबर को व्यापारी प्रकाश सेवक का शव रोड किनारे पड़ा हुआ मिला था। हत्या का मामला है,
प्रकाश पिता नातू की हत्या करने वाले हत्यारों को अभी तक इसकी जांच बराबर नहीं हुई है। इसके एवज में पूरे ग्रामीण एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और घटना 3/10/2020 6:41 से दुकान बंद करके सागवाड़ा से निकला अपने घर के लिए और 4/10/2020 को प्रातः 8:30 बजे पता चला कि ये हत्या किए किसी ने हूँ और वो भी माडविया जी बटिकड़ा मोड़ के बीच में सड़क के किनारे लाश पड़ी थी। इसकी पूरी जांच के लिए एसपी साहब एवं कलेक्टर साहब को ज्ञापन के लिए सभी ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर यहाँ पधारे और सभी इन हत्यारों को जांच कर पकड़े जाए और उनको सजा मिले और गरीब जो मृतक के परिवार को शांति मिले और न्याय मिले। अभी तक जैसे आपने किसी को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया जैसे पुलिस अधीक्षक को आज ज्ञापन? उन्होंने बोला सर अभी मैंने 2 दिन से ही पद ग्रहण किया है और मेरा दायित्व बनता है जिला अधीक्षक होने के नाते मैं पूरी जांच कराऊंगा और आपको न्याय दिलवाऊंगा। जैसे हत्या का मामला दर्ज कर दिया, अभी तक किसी हत्यारे को चिन्हित कराया क्या? नहीं, चिन्हित नहीं किया, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए। कोरोना महामारी में संक्रमण से ग्रसित गंभीर रोगियों के इलाज हेतु इसको जीत चुके व्यक्तियों के प्लाज्मा की अत्यंत कमी बनी हुई है। ठीक हो चुके खौफ के चलते प्लाज्मा डोनेट करने से कतरा भी रहे हैं। ऐसे कठिन दौर में प्लाज्मा की कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर और भारत विकास परिषद राजस्थान ने। इन्होंने एक सक्रिय जीवन रक्षक प्लाज्मा डोनर को तैयार कर प्लाज्मा डोनेट करवाया। इसी कड़ी में संस्थान से जुड़े लोगों ने भिलवाड़ा से 250 किलोमीटर महात्मा गांधी ब्लड बैंक जयपुर में 3 डोनर्स को ले जाकर प्लाज्मा डोनेट करवाया। प्लाज्मा जीवनदाता आशीष बापना भिलवाड़ा के प्रथम प्लाज्मा डोनर हैं, जो 2 बार पहले भी प्लाज्मा दे चुके हैं और बुधवार को 3री बार प्लाज्मा दान किया। वहीं ऋषिराज सिंह नरुका और रक्तवीर रोहित जोशी भी ऐसे रक्तवीर हैं जो मानवता के लिए एक मिसाल बने हैं। संभाग के डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशन में अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम ने बुधवार को पुलिस थाना वर्धा सर्कल में सज्जनपुरा गाँव में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ वॉश होने की सूचना पर दबिश दी गई। मौके पर पहुंची टीम को झाड़ियों में नो ड्रमों में 2000 लीटर महुआ वॉश भरा मिला। साथ ही अवैध शराब बनाने के उपकरणों ड्रम पाइप अन्य बर्तन भी वहीं मिले। बाद में पुलिस थाना वर्धा को सूचित कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान धर्मवीर सिंह नवीन महावीर यशपाल सोहन मानशंकर पंकज मौजूद रहे। सभी ने हथकड़ शराब के उपकरणों सहित वॉश को निस्तनाबूद किया। अब इलाके के संदिग्धों की तलाश की जा रही है जो इस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे। और एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जनता सेना ने की पालिका चुनाव की तैयारी, 3 जगहों पर उतारेगी उम्मीदवार। भिंडर सलुम्बर में मेयर बनाने का दावा, फतेहनगर में देगी कांटे की टक्कर। 4 सालों में निगम की भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दूंगा, जोशी ने कहा गुलाबचंद को मुंह दिखाना पड़ जाएगा भारी। हमेशा खुला रहने वाला धन्ना सेठ के द्वार पर लगा ताला, लूट के बाद बेटे साथ उदयपुर पहुंचे बुजुर्ग, पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सुराग, जल्द खुलासा करने का दावा। और निगम के अजीब जवाब पर उदयपुर बार एसोसिएशन ने दिया एडीएम सिटी को ज्ञापन, एडवोकेट की संस्था को नहीं माना था भारतीय नागरिक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।